हर बार सीटेट में 20 से 25 लाख स्टूडेंट बैठते हैं, फिर भी रिजल्ट होता है 1.5 से 2 लाख। तो ऐसा क्या है कि इतना कम रिजल्ट होता है, आपने कभी सोचा है? तो दोस्तों, वो गलतियां जो बार बार स्टूडेंट दोहरा रहे हैं, जिसके कारण उनका रिजल्ट नहीं हो रहा है, आज उसके बारे में बात करेंगे। और आपको अपनी प्रिपरेशन में ये सारी गलतियों को दूर करना है, तभी आप एक बार में अच्छे मार्क्स लेकर आओगे। और ये कोई हवा हवाई वीडियो नहीं है, इसको पूरा देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर आपने इससे पहले सीटेट दिया है, 2 बार 3 बार या 4 बार दे चुके हैं, तो आप देखना इसमें जो गलतियां बताई जाएगी, इसमें से बहुत सारी गलतियां ऐसी होंगी जो आप रिलेट करोगे कि आपने अपने प्रिपरेशन के दौरान किया है। तो चलिए शुरू करते हैं और बात करते हैं कि क्या क्या गलतियां होती है जिस कारण हम सीटेट के रिजल्ट से दूर होते जाते हैं। तो नंबर एक है कि प्रश्न का विश्लेषण करें, सिर्फ याद न करें। हम देखते हैं कि जब बच्चे प्रश्न सॉल्व करते हैं, जब वो PIQ सॉल्व करते हैं, तो उस समय वो प्रश्न का आंसर किसी भी तरीके से चाहते हैं कि उनको उस आंसर तक पहुंच जाए, वो आंसर क्या होगा ये उनको पता चल जाए। अगर उनका गलत भी हुआ है तो वो देख लेते हैं कि इसका आंसर क्या हुआ, इसके बाद उसको याद कर लेते हैं कि अच्छा ये प्रश्न पूछा है तो इसका आंसर इस अकॉर्डिंग ये होगा। लेकिन ये गलत तरीका है। अगर क्वेश्चन थोड़ा भी ट्विस्ट कर दिया जाए, अगर क्वेश्चन उसी टॉपिक से घुमा के पूछा जाए, तो आप वहां पे फंस जाओगे। आपने उस चीज को पढ़ा, वो आपके सामने से गो थ्रू हुआ वो चीज, उसके बावजूद भी आप उस प्रश्न का आंसर सही नहीं दे पाएंगे एग्जाम में, अगर थोड़ा भी उसको चेंज कर दिया जाए, घुमा दिया जाए। तो आप कोशिश करें कि जब भी प्रश्न सॉल्व करें तो उसकी गहराई को समझे, वो समझने की कोशिश करें कि ये प्रश्न किस अवधारणा या किस कंसेप्ट से पूछा गया है, उसको समझने की कोशिश करें और विश्लेषण करें उस प्रश्न का, कि अगर आपका गलत हुआ है तो क्यों हुआ, अगर सही हुआ तो आपने इसको कैसे पकड़ा। तब जाके आपको उससे रिलेटेड जो भी प्रश्न पूछा जाएगा, आप आसानी से उसको आंसर कर पाओगे। तो नंबर एक ये था। नंबर दो, समय सीमा में अभ्यास करें, यानी कि PIQ जो आप प्रैक्टिस कर रहे हो उसके लिए समय सीमा निर्धारित करें। जितना देर का एग्जाम है उतना समय के अंदर ही आपको PIQ सॉल्व करना है, यानी जो टाइम है उसी में आपको अभ्यास करना। इससे क्या होगा, ये टाइम मैनेजमेंट का जो आपको पेपर में प्रॉब्लम होता है वो दूर हो जाएगा। हम देखते हैं बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको पेपर में टाइम ही नहीं बच पाता है, उनको प्रश्न आता था तब भी वो सॉल्व नहीं कर पाते हैं। पिछले बार एक स्टूडेंट का कमेंट भी था कि सर उस मैंने 30 क्वेश्चन ऐसे ही रंग दिया क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था। हाँ, हालांकि उन्होंने पास कर लिया, लेकिन फिर भी अगर मान लीजिए अगर वो 30 क्वेश्चन वो टाइम पे सॉल्व किए होते तो उनका कितना मार्क्स स्कोर हुआ होता। तो इस चीज को आपको समझना होगा कि आप जब भी प्रीवियस ईयर पेपर प्रैक्टिस करते हैं तो टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखें, उतने ही टाइम में पेपर सॉल्व करें जितना आपको एग्जाम में दिया जाएगा। इनफैक्ट आप कोशिश करें कि टाइम से पहले कंप्लीट करें, क्योंकि एग्जाम में कुछ चीजें आपको वहां पे भी टाइम लगेगा जो अटेंडेंस वगैरह बनानी होती है उसमें, तो आप टाइम से पहले पेपर खत्म करने की कोशिश करें जिससे आपका पेपर एग्जाम में आसानी से पास हो। नंबर तीन, विभिन्न प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व करें। आप कहोगे आप सर ये क्या कह रहे हैं, जी बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। हम देखते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो आसान प्रश्न ही सॉल्व करने में लगे हुए हैं, या बहुत सारे स्टूडेंट है वो हार्ड हार्ड प्रश्न ही सॉल्व करने में लगे हुए हैं। ऐसा नहीं करना है, आपको सारे प्रश्न को सॉल्व करना है। PIQ में जो प्रश्न दिया गया है चाहे वो इजी हो या डिफिकल्ट हो, उसको समझना है और उसको सॉल्व करना है। ये नहीं कि जो इजी लग रहा है उसको सॉल्व करके हम बैठ गए, या फिर हम डिफिकल्ट ही खोज रहे हैं। हो सकता है एग्जाम में प्रश्न डिफिकल्ट सिर्फ ना आके इजी आ जाए, या ये भी हो सकता है कि प्रश्न इजी और डिफिकल्ट दोनों मिलाकर आए, यानी मॉडरेट लेवल का पेपर हो। तो इसलिए आपको चाहिए कि सारे प्रश्न को सॉल्व करना चाहिए। ये गलतियां बहुत सारे लोगों को हम करते देखते हैं कि वो पढ़ लेते हैं कंसेप्ट और उसमें हार्ड हार्ड प्रश्न सॉल्व कर लेते हैं उसका, या फिर कंसेप्ट पढ़ने के बाद उसका इजी इजी प्रश्न सॉल्व कर लेते हैं, उनको लगता है कि हो गया। नहीं, ऐसा नहीं करना, हमको पूरा पेपर PIQ का जो है उसको सॉल्व करना है। उसमें जैसे जैसे प्रश्न आते हैं सारे प्रश्न को सॉल्व करना है, अलग अलग लेवल का प्रश्न जो भी पूछा जाएगा सारे। नंबर चार, रिविजन पे ध्यान दे। अब रिविजन कैसे करना है, हम देखते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व आज किए, फिर कल छोड़ देंगे, परसों छोड़ देंगे, फिर 2-3 दिन बाद सॉल्व करेंगे। काफी गैप में सॉल्व कर रहे हैं, या फिर जो पढ़ रहे हैं कॉन्सेप्ट को जो रिवाइज कर रहे हैं, उन्होंने जो सेल्फ नोट बनाया है उसमें भी काफी गैप पे कर रहे हैं, जिस कारण वो धीरे धीरे चीजों को भूलने लगते हैं। तो रिविजन में दो चीज आपको ध्यान रखना है, एक तो आपको प्रीवियस ईयर पेपर डेली प्रैक्टिस करना है, उससे क्या होगा कि आप चीजें को कम भूलेंगे, और जब भी आपको लगे कि हाँ आप चीजों को भूल रहे हो तो बीच में आपने जो सेल्फ नोट बनाया है उसको एक बार पढ़ लीजिए, उसको एक बार गो थ्रू कर लीजिए। तो आप बीच में रिवीजन करते रहे और प्रीवियस ईयर पेपर डेली सॉल्व करें, या तो 1-5 का करें या तो 6-8 का करें, आपको दोनों पेपर है तो, लेकिन डेली आप एक पेपर तो सॉल्व करें ही करें। इससे क्या होता है ना कि काफी चीजें हमको याद रहती है और रिवाइज होते रहता है। तो रिवीजन का सबसे बेस्ट तरीका है सीटेट के लिए कि आपको प्रीवियस ईयर पेपर डेली सॉल्व करना है, और कंसेप्ट के लिए आप बीच बीच में अपना कंसेप्ट जो लिखे हैं, जो
नोट बनाए हैं जो पढ़े हैं उसको एक बार गो थ्रू करते रहे, उसको एक बार पढ़ लिया करें। तो इससे क्या होगा कि आपका पकड़ बना रहेगा और आपको लगेगा नहीं कि आप एग्जाम में पीछे हो रहे हैं, आपको लगेगा कि दिन प्रतिदिन हम एग्जाम में आगे बढ़ रहे हैं, मेरा तैयारी और ऊपर होते ही जा रहा है। तो इसीलिए आपको रिविजन करना और रिविजन इसी तरह। नंबर 5, आपको कंसेप्ट क्लियर करना चाहिए। देखिए बहुत सारे प्रश्न आपको ऐसे मिलेंगे जो पेडागोजी का होगा या CDP का होगा, खास करके PRG का प्रश्न होगा, जिसमें आपको कन्फ्यूजन हो सकता है, कोहलबर्ग के प्रश्न में कन्फ्यूजन हो जाता है ना। तो ये पेडागोजी का प्रश्न जो हो गया या CDP का प्रश्न हो गया या आपके थ्योरी में जो कंटेंट पार्ट का प्रश्न होता है उसमें आपको कन्फ्यूजन होगा, तो आपको कंसेप्ट क्लियर करना है, कंसेप्ट की सटीकता को समझनी है, तो आपको कंसेप्ट की गहराई में जाना है, तो आपको कंसेप्ट क्लियर करना चाहिए, जिससे इसकी इस अवधारणा पे बेस्ड दूसरा भी कोई प्रश्न आएगा वो आपको समझ में आएगा। तो आपको किसी भी तरीके से इसको टालना नहीं है। अगर कोई प्रश्न ऐसा है जो आपको बार बार नहीं बन रहा है या उस टॉपिक से पूछे गए प्रश्न बार बार आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो क्या पता ये प्रश्न आपको एग्जाम में भी वहां देखने के लिए मिल जाए, इसी अवधारणा पे बेस्ड कोई भी और प्रश्न मिल जाए। तो आपको इसके लिए चाहिए कि इस कंसेप्ट की गहराई को समझ लीजिए, इस कंसेप्ट को क्लियर कर लीजिए, है ना। भागना नहीं है, आपको कंसेप्ट को क्लियर करना है। इसके अलावे भी कोई भी कंसेप्ट को आपको याद नहीं करना है, मैंने पहले भी कहा कि याद नहीं करना है, आपको हर हाल में चाहिए कि कंसेप्ट को समझना है ना। तो कंसेप्ट क्लियर करें, जिससे क्या होगा कि आपको और भी अलग टाइप के प्रश्न जो पूछे जाएंगे, लैंग्वेज चेंज करके प्रश्न जो पूछे जाएंगे, आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। आजकल देखते हैं ना आप एसर्शन और रीजनिंग का प्रश्न आता है, तो उसमें भी कंसेप्ट का क्लियर होना काफी जरूरी है। तो आप जो भी चीज पढ़े उसको क्लियर करने की कोशिश करें, कंसेप्ट को और अवधारणा को समझने की कोशिश करें, है ना। नंबर 6 है, गलतियों का विश्लेषण करें। हम देखते हैं कि स्टूडेंट गलती कर लेते हैं, है ना, प्रश्न गलती हो गया, उसका आंसर वो किसी भी तरीके से उनका जो व्याख्या दिया है उसमें पढ़ लिए, उसके बाद उनको लगता है कि ठीक है अच्छा इसका आंसर इसलिए ये हुआ था, हो गया। नहीं, आपको चाहिए कि उसकी जो कंसेप्ट था, उस क्वेश्चन का जो कंसेप्ट है उसको समझे, कंसेप्ट को क्लियर करे, कंसेप्ट जिस कंसेप्ट से वो प्रश्न पूछा गया है उसको समझने की कोशिश करिए, ताकि उस पर बेस्ट दूसरा प्रश्न आएगा तो आपको वो गलत ना हो। और अपने नोटबुक में नोट भी कर लीजिए कि ये प्रश्न गलत हुआ था, तो आप इस प्रश्न में क्या चीज मिस कर रहे थे, क्या चीज आपको नहीं पता था जिसके कारण ये प्रश्न गलत हुआ। तो जो प्रश्न गलत हो रहा उसकी गलती का आपको विश्लेषण करना चाहिए कि ये क्यों गलत हुआ, क्या आपने इस कंसेप्ट को नहीं पढ़ा था, अगर पढ़ा तो क्या आपको इसने इस कंसेप्ट में जो डाउट था वो क्लियर नहीं हुआ था, या क्लियर होने के बावजूद भी क्या कंफ्यूजन रह गया, आप वो नोट कर लीजिए, ताकि वो ऐसा प्रश्न दोबारा आए तो आपको गलत ना हो। नंबर 7 पे है, मॉक टेस्ट का टाइम ट्रायल दे। अब कहेंगे आपकी मॉक टेस्ट का टाइम ट्रायल क्या होता है सर? देखिए हम सीटेट के लिए बात करते हैं जब भी, तो प्रीवियस ईयर पेपर ही बात करते हैं, मॉक टेस्ट का तो बात करते नहीं है, या सैंपल पेपर का बात करते नहीं है। तो प्रीवियस ईयर पेपर ही, जो पेपर आप नहीं लगाए हैं, बीच बीच में आप अपने प्रिपरेशन के दौरान पूरा एकदम एग्जाम का माहौल बना करके एक पेपर दीजिए, उतना टाइम में ही पूरा एकदम एग्जाम का माहौल होना चाहिए, कोई डिस्टर्बेंस उसमें बीच में नहीं होना चाहिए। और आपको देखना चाहिए कि आपने क्या पेपर टाइम पे कंप्लीट किया, अगर आपका पेपर टाइम पे कंप्लीट हो रहा है तो इसका मतलब है आपका टाइम मैनेजमेंट का समस्या नहीं है, वो आपका ठीक हो गया है। फिर आप देखिए कि आपको कितना सही हुआ, कितना मार्क्स आप स्कोर कर पाए, क्योंकि ये जो बीच बीच में आप करके देखोगे ये आपको दिखाएगा कि आपका प्रिपरेशन किस लेवल पे आ गया है और कितना इम्प्रूव करना जरूरी है। और ये आपको मोटिवेशन भी देगा और आपको ये मोटिवेट रखेगा, कॉन्फिडेंस भी देगा कि हाँ मेरा प्रिपरेशन इस लेवल पे हो चुका है, अब हमको और इतना प्रिपरेशन करना है, हम अभी इतना स्कोर कर पा रहे हैं। तो बीच बीच में एक ट्रायल आप देते रहें, मॉक ट्रायल दें, जिसमें टाइम के अकॉर्डिंग ही देना है, जो एग्जाम प्रिपरेशन का टाइम है, जो एग्जाम का टाइम है, जितना देर में एग्जाम कंप्लीट होगा उतना में ही देना है, इसमें एक्स्ट्रा टाइम नहीं लेना है। पूरा ईमानदारी से आप देकर बीच बीच में देखते रहें कि आपका प्रिपरेशन किस लेवल तक आया है। नंबर 8 है, सटीकता पे ध्यान दें। हम देखते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट प्रीवियस ईयर पेपर जल्दी से सॉल्व कर खत्म करने के चक्कर में स्पीड में सॉल्व कर रहे हैं, वो ध्यान से ये भी नहीं देख रहे हैं कि ये प्रश्न किस कंसेप्ट से पूछा गया, इसका आंसर हमने गलत क्यों किया, ये सारे प्रॉब्लम जो मतलब स्पीड में उनको सॉल्व करना है कि हाँ प्रीवियस ईयर पेपर बोला गया ना सॉल्व करने के लिए, तो लीजिए प्रीवियस ईयर पेपर हम सॉल्व कर दे रहे हैं, या प्रीवियस ईयर पेपर लीजिए हम पढ़ लिए। जो ऐसे कर रहे हैं उनको ये समझ में ही नहीं आ रहा है कि आपने टाइम भी दे रहा है और आपका जो बेनिफिट मिलना चाहिए प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करके वो बेनिफिट आपको नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि आप स्पीड में किसी भी तरीके से प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कर रहे हो। आप कंसेप्ट को पढ़ोगे, प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चन को जब पढ़ोगे तो आपका जो कंसेप्ट है वो आपके ब्रेन में घूमना चाहिए, वो तब घूमेगा कि आप गहराई में क्वेश्चन को एग्जाम की तरह फील करोगे। तो आपको वो क्वेश्चन आपके दिमाग में जब आएगा तो कंसेप्ट आपको समझ में याद आएगा कि आपने ये कंसेप्ट में पढ़ा था, फिर आप उसको सॉल्व करोगे। गलती सही होना तो बाद की बात है, अब फिर आप कोशिश भी करो कि मैक्सिमम आपका सही हो,
सटीकता पे ध्यान देने का मतलब ये भी है कि सटीक आंसर आप खोजने की कोशिश करो, ये नहीं कि हाँ किसी भी तरीके से प्रश्न है जल्दी से करके हमको टाइम के अंदर करना था, टाइम हमको लेट लग रहा था, लीजिए इसका ऑप्शन ए हो गया, ऑप्शन बी हो गया और टिक करके हम बैठ गए आधा घंटा में या एक घंटा में। नहीं, आपको कोशिश करना है हर दिन कि मेरा आंसर सटीक हो। हम अपने तरफ से गलत नहीं करेंगे, हम अपने तरफ से 100% कोशिश करेंगे कि हम जो आंसर दे रहे हैं वो सटीक हो। तो सटीकता पे आपको पूरा ध्यान देना है, इससे आपका जो हैबिट बनेगा ना एग्जाम में आप गलत नहीं करोगे। आप मान के चलो कि जितना प्रश्न गलत कर रहे हो ना वो निगेटिव जा रहा है आपका, वैसे एग्जाम में निगेटिव नहीं है, लेकिन अभी आप एग्जाम दे रहे हो जब रूम पे, तो मान के चलो इससे क्या होगा ना कि आपके अंदर गलत आंसर चुनने की भावना कमेगी, आप जल्दी गलत आंसर नहीं चुनोगे, आप जो भी आंसर चुनोगे सही आंसर चुनोगे। तो ये चीज आपको करना चाहिए, आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं यानी कि प्रीवियस पेपर सॉल्व कर रहा है, तो कोशिश करें टाइम के अंदर ही सॉल्व करें, लेकिन आंसर सटीक और सही होना चाहिए। ये नहीं कि टाइम के अंदर सॉल्व करना है तो कैसे भी आंसर आप कर रहे हैं, वो आपका लॉस करेगा, क्योंकि हमारा ब्रेन जो है ना उसी आंसर की तरफ प्रेरित हो रहा है बार बार। आप जल्दबाजी में गलती आंसर दे रहे हो ना, तो बार बार हमारा ब्रेन उसी आंसर की तरफ प्रेरित हो रहा है। आप बाद में ऑप्शन देखोगे कि मेरा गलत हो गया ये आंसर, और आप इसके लिए एक्सप्लेनेशन भी देख लोगे ना, तब भी ब्रेन जो है ना उस आंसर की ओर भागता है ज्यादा। तो आप कोशिश अगर करोगे ना माइंड में ये मेकअप करके कि हमको हर हाल में सही आंसर देना है, तो सटीकता हमको होनी चाहिए, जितना हम प्रश्न करें उसमें सटीकता हमको आनी चाहिए। हाँ, आंसर आप गलत देते हो तो सीटेट में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इस बात को हम मानते हैं, ये बात सही भी है, लेकिन आपको कोशिश करना है कि हम जो आंसर दे सटीक दे, उससे क्या होगा ना कि आपको मैक्सिमम सही क्वेश्चन का आंसर करने की आदत बैठेगी और ये आपको काफी बेनिफिट देगा। तो आप अपना तरफ से कोशिश करिए कि सही आंसर दे, गलत होना नहीं होना तो बात की बात है, तो सटीकता पे ध्यान दीजिए, ये चीज आपको अपने हैबिट में लाना चाहिए। नंबर 9 है प्राथमिकता दे। अब ये काफी इंपॉर्टेंट है और इसको अच्छे से समझिए, जब भी आप प्रीवियस ईयर पेपर अभी सॉल्व कर रहे हैं तो इस चीज को अभी से ही अपने प्रैक्टिस में ले आइए। क्या करना है कि आपको प्राथमिकता देना है आपके अकॉर्डिंग आपको कौन कौन सा सब्जेक्ट का पेपर आसान लगता है और कहाँ पे आप अच्छा स्कोर कर पाते हैं, सबसे पहले पेपर में आप उसको सॉल्व कीजिए। हो सकता है कोई स्टूडेंट हिंदी आसानी से सॉल्व कर लेता होगा, हो सकता है कोई स्टूडेंट इंग्लिश आसानी से सॉल्व कर लेता होगा, हो सकता है कोई स्टूडेंट CDP आसानी से सॉल्व कर लेता होगा। ऐसे तो मैक्सिमम स्टूडेंट CDP से ही शुरू करता है, क्योंकि CDP सब धीरे धीरे अपना अच्छा कर ही लेता है। तो हो सकता है अलग अलग स्टूडेंट के लिए अलग अलग चीजें हो सकती है, लेकिन आपको प्राथमिकता अपने अकॉर्डिंग देना है कि आपको पहले पेपर में क्या स्टार्ट करना चाहिए। स्टार्ट आप उस पोर्शन से करो जो इजी है आपके लिए, जिसमें आप ज्यादा स्कोर कर पाते हो, जिसको सॉल्व करने में आपको ज्यादा कठिनाई नहीं होती है। इससे क्या होता है ना कि हम लोग पेपर में स्टार्टिंग दौर में ही अगर इजी प्रश्न सॉल्व करते हैं तो मेरा कॉन्फिडेंस हाई होता है, और जैसे ही कॉन्फिडेंस और मोटिवेशन हाई रहता है तो हम वो भी क्वेश्चन सॉल्व सही से कर पाते हैं जिसमें थोड़ा सा हमको एफर्ट लगाना पड़ता है। तो आप इस चीज को समझिए, पेपर कभी भी हार्ड पोर्शन से स्टार्ट मत कीजिएगा। आप जब भी पेपर एग्जाम में देने गए हैं, एग्जाम में पेपर दे रहे हो, तो आप कोशिश करो वो पोर्शन स्टार्ट करो जो आपके लिए आसान है और इजी है, पहले उसको सॉल्व करो, फिर उससे हाई, फिर उससे हाई, ऐसे करके आप एक सॉल्व करो पूरा पेपर को। आप देखोगे कि जितना स्कोर आपको करना चाहिए आप उससे ज्यादा स्कोर कर पाते हो। तो ये 9 गलतियां हमने आपको बताया जो छोटे छोटे गलतियां हैं लेकिन लोग करते हैं, और इसको आप हल्के में भी मत लीजिए। अगर आप भी अभी अपने पेपर में ये सब गलतियां कर रहे हैं तो इसको दूर कीजिए, फिर आप देखिएगा नेक्स्ट डे जो आप प्रीवियस पेपर सॉल्व करोगे उसमें आपको इसके ये गलतियों को दूर करने के कारण आपको काफी फायदा देखने के लिए मिलेगा। इसके अलावा भी कोई डाउट है तो आप बताइएगा। आप में से बहुत सारे लोगों ने संस्कृत के बारे में लिखा है कमेंट में बार बार, मैं आप देख रहा हूं, तो हम जल्द संस्कृत पे बात करेंगे और डिटेल में बात करेंगे, और काफी ढंग का वो वीडियो होगा जिसको देखने के बाद आपका संस्कृत का सारा समस्या और दुख और दर्द खत्म हो जाएगा। आप और भी डाउट है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, हम बात करेंगे उस पर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग, बाय बाय।